हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ राजमा की सब्ज़ी, और मैंने इसमें डाला है एक चुटकी बेकिंग सोडा, और मैंने इसे रात में भिगो दिया था, और इस टाइम मैं उबाल के बना रही हूँ क्योंकि कुकर में नहीं, मैं कढ़ाई में ही बनाऊँगी। तो मैंने डाला है एक चम्मच नमक, और नमक डाल के अच्छे से मैं इसको मिला दूँगी। उसके बाद हम इसको पकने के लिए ढक देंगे। फिर ये इधर राजमा मेरा उबल रहा है, तब तक मैं मसाले की तैयारी कर रही हूँ। तो इसमें मैंने लिया है 2 प्याज और 2 टमाटर। टमाटर मुझे ना हर सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर एक की जहाँ ज़रूरत होती है ना, वहाँ मैं 2 डालती हूँ, क्योंकि मुझे टमाटर से ही सब्ज़ी में टेस्ट आता है, मेरे को ऐसा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है प्लीज़ बताइएगा। मैंने टमाटर और प्याज को मोटा मोटा काट लिया है। उसके बाद मैं मिक्सी में यहाँ पीस रही हूँ, तो हस्बैंड जी पीस रहे हैं, मैं नहीं पीस रही हूँ, सॉरी। और मैंने लिया था 8-10 हरी मिर्च, क्योंकि लाल मिर्च पाउडर थोड़ा कम ही डालूंगी, हरी मिर्च डालूंगी, तो इसलिए मैंने हरी मिर्च थोड़ा ज़्यादा रखा है। तो यहाँ पे प्याज मेरा पिस चुका है और टमाटर पीस रहे हैं, और मेरी मिक्सी पता नहीं क्या ड्रामे कर रही थी, कभी चल रही है, कभी रुक रही है, चल रही है, रुक रही है, पता नहीं। बहुत दिनों का हो गया ना, मुझे लगता है ख़राब हो गया, बट अभी तक साथ दे रही है, अभी ख़राब ना हो, क्योंकि अभी नहीं ले सकते हम लोग। तो यहाँ पे मेरी टमाटर की प्योरी भी तैयार हो गई है, और इधर मैं राजमा उबलने के लिए रखी थी, तो राजमा भी अच्छे से उबल गया है, और किट्टू खेल रहा है कैरम बोर्ड, और सब बाकी टीवी देख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा धनिया पत्ता भी काट के रख लेती हूँ राजमा में डालने के लिए। और राजमा के साथ मैंने बनाया था चावल, तो यहाँ मेरा धनिया पत्ता चॉप हो चुका है, और चावल मैं नहीं बनाऊँगी, पति देव बनाएंगे। तो वो ऐसे ही चावल बनाते हैं, पहले चावल को धो लेते हैं, फिर उसमें क्या बोलते हैं, नमक डाल देते हैं और पानी पहले ही डाल देते हैं बर्तन में ही। और मैंने यहाँ दूध उबलने के लिए रखा है, शुक्र है दूध गिरा नहीं, लेकिन मेरा पूरा ध्यान ना कैमरे पे था, पर अचानक से दूध पे भी नज़र चली गई। तो हस्बैंड जी चावल ऐसे ही बनाते हैं, फिर वो कुकर में थोड़ा सा डाले सरसों तेल, और उसके बाद देखो पानी ऐसे ही बर्तन में ही पहले डाल लेंगे जिसमें हम चावल रख मतलब चावल धो के लाए हैं। ऐसा नहीं कि चावल डालने के बाद पानी डालेंगे। और ज़्यादातर चावल नमकीन चावल हो या मतलब वैसा प्लेन चावल हो, हस्बैंड जी ही बनाते हैं। वो कहते हैं मुझे अपने हाथ का ही चावल अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं खाना बनाती हूँ तो उन्हें पसंद नहीं आता, आता है, बट एक होता है ना कोई कोई इंसान की मतलब अपनी चीज़ ज़्यादा पसंद आती है, बस वही वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैं यहाँ गूंद रही हूँ मैदे का आटा, जो कि मुझे आज बनाना है नमकीन। तो मैंने आटे में बहुत सारा मोयम डाला है ना, तो मैं उसे अच्छे से मिला रही हूँ, और ऐसे लड्डू बना बना के देख रही हूँ कि मतलब मोयम अच्छा गया है कि नहीं, क्योंकि लड्डू बनाने से ना पता पड़ जाता है कि मोयम अच्छा है या नहीं, या फिर जो बनने के बाद जो निखार आएगा, जो चीज़ अच्छी बनेगी या नहीं। तो ऐसे लड्डू बना के आप देख लो तो अच्छा बन जाता है, तो समझो कि मोयम परफेक्ट गया है। और यहाँ पे मैं फिर बनाने लगी सब्ज़ी, तो सब्ज़ी के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ाया है, और राजमा को भी उबाल के और उसे अच्छे से फिर से मैंने ठंडे पानी से वॉश कर दिया है। और मुझे तो नहीं पता है, मेरे राजमा में ना लाल कलर निकल रहे थे, जो मैंने गर्म पानी में उबाला था ना, वो पानी लाल हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे राजमा में भी ना पॉलिश मार के कलर करके दिया गया था। फिर मैंने सरसों तेल डाला कढ़ाई में, और उसके बाद मैंने प्याज की प्योरी डाली, उसके बाद नमक वमक डाल के फिर उसे अच्छे से मैं लाल होने तक भूनूंगी। और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, बट मैंने थोड़ा कम ही रखा है, क्योंकि मैंने राजमा में भी पहले ऑलरेडी नमक डाल रखा था। फिर मेरा यहाँ अच्छे से मैंने खूब देर तक, कम से कम 5 से 10 मिनट तक मैंने मसाले को भूना, और यहाँ मेरा चावल भी बन के रेडी है, और आटा भी मैंने लगा दिया था नमकीन के लिए। देखो अच्छे से सेट हो चुका है ये, और ये रिफाइंड की थैली है जो मैं फाड़ के ऐसे रख दी, जो बचा खुचा हो जाए उसमें गिर जाएगा आटे में। और ये मैंने नारियल का कद्दूकस करके रखा था। तो यहाँ सब्ज़ी में अच्छी सी उबाल आ रही है ना, और मैं सेकेंड टाइम बना रही हूँ राजमा। एक बार और बनाया था बट अच्छा नहीं बना, बट इस बार मेरा राजमा बहुत अच्छा बना था। आप लोग कैसे बनाते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। यहाँ किट्टू ड्राइंग कर रहा है, आज स्कूल नहीं गया था, और किट्टू का स्कूल ना 2 घंटे के लिए ही ओपन होता है। यहाँ देखो कितनी अच्छी धूप निकली है, हस्बैंड जी नीचे पापा खड़े हैं ना, उनको बुला रहे हैं खाना खाने के लिए, और आज बहुत दिनों बाद धूप निकली है इतनी अच्छी। तो यहाँ मैं और हस्बैंड जी खाना खाएंगे, क्योंकि बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, 11 बज गया था ये सब काम करते करते। तो हस्बैंड जी खाना निकाल रहे हैं, आप लोग भी आ जाइए, राजमा चावल खा लीजिए। और फिर मैंने फटाफट घर की क्लीनिंग करी, झाड़ू लगाया, बर्तन धोया, और यहाँ मैं पोछा लगा रही हूँ।
और 2 कमरे की पोछा लगाने में ना कम से कम मुझे 1 घंटा लग जाता है। फिर मैं नहाई। मेरे नानी घर जाओगे? मेरे नानी घर? क्या आप अपने नानी घर? अपने नानी घर यू। मैं सिंदूर भी नहीं लगाया, ऐसी आ गई हूँ मैं। मैं आपके घर पे बाहर नहीं आऊँगी। आज ये नहीं नहाए हैं? नहाए हो? नहाए भी ना लग रहे हैं हमें स्मार्ट। लग रहे हैं ये स्मार्ट? कोई कह सकता है कि इनको ये स्मार्ट लग रहे हैं? आज धूप अच्छी निकली है बट हवा भी चल रही है ना, तो इसलिए धूप ना शरीर में लग नहीं रहा है। और मैंने कल ना मेथी वाला तेल लगाया था बालों में। मैं जिस दिन बालों में वो लगाती हूँ ना, क्या बोलते हैं, लिवॉन, उस दिन मेरे गिर जाएगा। पकड़ो उसको, उसकी कुर्सी टूटी हुई है। आओ। जिस दिन मैं बालों में लिवॉन लगाती हूँ ना, उस दिन मेरे बाल थोड़े ज्यादा ही सिल्की। गिर जाएगा। पापा जी। हाँ। ये बड़ा ला दो। Okay. चलो नीचे लाइट आ गई। लाइट आ गई? पता नहीं, अभी लाइट हमारे यहाँ चली गई है। लाइट आएगी ना फिर हम बनाएंगे, जो आटा गूंद के रख रखे उसका बनाऊंगी नमकीन। नमकीन उस दिन मम्मी बनाई थी और आज मैं बनाऊंगी। सारा काम तो करके रख रखा। ओहो मेरा बेटा, सारा काम तो मैंने करके रख रखा है, बस जाके बनाना है। बिना लाइट के मेरा घर ना बिल्कुल, वो बोलते हैं ना भूतिया महल हो जाता है, बिल्कुल कुछ दिखता नहीं है। इसलिए भी लाइट चली गई तो सोचा चलो थोड़ा सा धूप सेक लेंगे, लाइट आ जाएगी तब तक, उसके बाद बनवाऊंगी। आज तो आपसे ही बनवाऊंगी। फिर यहाँ हम लोग आ गए थे नीचे। नीचे आके हमने इतने सारे नमकीन बनाई और अभी बना भी रहे हैं, और लाइट 2 घंटे के लिए चली गई थी तो हम ऊपर बैठ के इंतज़ार कर रहे थे। फिर लाइट आई, फिर हम नीचे आए और यहाँ देखो इन बाप बेटों की ना ऐसी ही मस्ती चलती रहती है। यहाँ नमकीन बन भी रहा है और खा भी रहे हैं साथ के साथ। और हमने थोड़ी सी मट्ठी भी बनाई थी बट मट्ठी हमसे सक्सेसफुल बना नहीं, ऐसी रह गया थोड़ा मोटा पतला मोटा पतला। तो यहाँ हस्बैंड जी बेल बेल के दे रहे थे और मैं सेक रही थी। यहाँ देखो कोई बड़ा है कोई छोटा है, मतलब कोई प्रॉपर एक साइज़ मट्ठी का है नहीं। और ये मट्ठी नहीं बना, इसमें मैदे में मैंने थोड़ा आटा भी डाला था, बट मट्ठी तो पूरे सिर्फ मैदे की बनती है, बट इसमें आटा भी है ना तो मट्ठी बना नहीं, पूड़ी बन गया। और मैंने फर्स्ट बार ट्राई किया है मट्ठी बनाना। मम्मी के यहाँ भी बनाया था, फिर मैंने बनाया नारियल के लड्डू और ये लाई जो हमारे बिहार में बहुत बनता है, सबके यहाँ बहुत खाते भी हैं। तो आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ब्लॉग को एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जाइएगा। और आप सबको भी नमकीन लड्डू और लाई खाना है तो प्लीज़ आ जाइए। और हमारी तो मकर संक्रांति की तैयारी कुछ ऐसी रही, आप सब कैसे करते हैं बताइएगा।